लगता है पार्टी शुरू हो गई है और देखिए गेट काफी खूबसूरत सजाया हुआ है। सभी लोग जा रहे हैं पार्टी के अंदर और यहाँ पर को आज है रिसेप्शन पार्टी। काफी खूबसूरत सजाया हुआ है और सभी लोग देखिए मेहमान आने लग गए हैं पार्टी में। कुमाऊनी शादी में सबसे पहले लोगों का स्वागत किया जाता है टीका और पिठिया, टीक पिठिया से। और सामने देखिए नैना चाउमीन खा रही थी और काफी टेस्टी हो रही कह रही थी, मैंने पूछा। और देखिए सामने लोगों का वेलकम जो किया जा रहा था वो टीका लगा के। ये दूल्हे की चाची थी। सामने लगा हुआ था पानीपुरी का काउंटर और सभी बच्चे काफी पसंद करते हैं चाउमीन। देखिए कहां पर को काफी भीड़ थी। मैंने सोचा मैं भी खाऊं एक आध गोलगप्पा, लेकिन इतनी भीड़ थी भैया, काफी व्यस्त थे पानीपुरी खिलाने में। और दोस्तों कैसे हैं आप? और सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हैरी पांडे बागेश्वर वाले ब्लॉग से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो यहां पर को आज थी रिसेप्शन पार्टी और सभी लोग यहां पर को आ गए थे रिसेप्शन पार्टी में। सामने देखिए बच्चा कितने प्यार से गोलगप्पा खा रहा था, तो उसको देख के मेरे मुंह में जो पानी आ गया था। सामने भैया सबको लगा के पानी पूरी दे रहे थे। पानी पूरी के काउंटर में देखिए मैं सोच रहा था थोड़ा भीड़ कम होगी तो मैं भी तीन चार पानीपुरी खाऊं, मुझे भी काफी पसंद है, लेकिन भीड़ वहां इतनी थी कि कमी नहीं हो रही थी। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको पार्टी में क्या क्या खाना बना हुआ है। सामने देखिए देखिए मूंग की मूंग का कोई आइटम बना हुआ था और सामने उसके बाद थी टिकिया। टिकिया देख के सभी के मुंह में पानी आ गया होगा। देखिए जैसी भैया लगा रहे थे टिकी और काफी टेस्टी टिक्की बन रही थी। सबको यहाँ पर को सब मिक्स करके जो भैया थे वो दे रहे थे टिक्की। सामने तवे पर घी में सिक रही थी गर्मा गर्म टिकिया और ये थे दही भल्ले। दही भल्ले भी काफी टेस्टी होते हैं और भैया इनको बना के दे रहे थे मसाला वसाला डाल के। और सामने था डोसे का मसाला और सामने भैया बना रहे थे देखिए खूबसूरत डोसा। तो मैं सोचा था मैं भी खाऊं, लेकिन अभी भीड़ थी, मैंने सोचा थोड़ा वीडियो बना लेता हूँ, उसके बाद मैं सब चीज खाऊंगा। आजकल सभी लोग साउथ इंडियन फूड काफी पसंद करते हैं और ये हर पार्टी में बनता है और अभी वहां को बन रहा था। और देखिए सामने था फास्ट फूड चाउमीन, ये भी आजकल काफी पसंद किया जा रहा है। देखिए बच्चे खूब जम के ले रहे थे चाउमीन। सभी लोग बैठकर फूड इंजॉय कर रहे थे क्योंकि काफी आइटम बने हुए थे पार्टी में और डांस भी चल रहा था। सामने दुल्हन की बहन डांस कर रही थी। पार्टी है तो डांस तो जरूर होगा, तो देखिए डांस का फंक्शन भी शुरू हो गया था। सामने दुल्हन की सॉरी दूल्हे की बहन डांस कर रही थी, काफी सुंदर डांस कर रही थी। क्योंकि गाना मैं आपको सुना था लेकिन कॉपीराइट की प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए गाना मुझे म्यूट करना पड़ता है। और काफी सुंदर डांस कर रही थी। सामने तंदूर लगा हुआ था और तंदूर रोटियां बन रही थी और गुलाब जामुन, देखिए सामने मीठे में गुलाब जामुन थे और गरम गरम रोटियां घी लगाकर सभी को खिलाई जा रही थी। सभी बच्चे वगैरह भी एंजॉय कर रहे थे। देखिए सामने मेरी भांजियां थी भाविका और प्रांजलि, देखिए सभी लोग पार्टी एंजॉय कर, सामने बड़े भाई बैठे हुए थे अपने दोस्त के साथ, वो भी बातचीत कर रहे थे। और देखिए सभी बच्चा पार्टी खूब एंजॉय कर रही थी और जम के फूड एंजॉय कर रहे थे सारे बच्चे। सामने बच्चा पार्टी चाउमीन एंजॉय कर रही थी, देखिए मिर्च भी लग रही थी लेकिन फिर भी खा रहे थे क्योंकि चाउमीन सभी को बच्चों को खासतौर काफी पसंद आती है। और सामने मेहमान आ रहे थे और उनको टीका वगैरह भी लग रहा था देखिए गेट के यहाँ पर को। और सामने बैठी हुई थी जो दूल्हे थे जिनकी आज रिसेप्शन पार्टी थी, उनकी माताजी बैठी थी सामने। आज यहाँ पर को तिवारी जी के बेटे तिलक का रिसेप्शन था और अभी हम वही रिसेप्शन पार्टी में आया हुआ था। मैंने आपको उसकी हल्दी भी दिखा, हल्दी का ब्लॉग भी दिखाया था और शादी का भी। तो आज थी रिसेप्शन पार्टी जिसे हमारे यहाँ घर बारात भी बोलते हैं। देखिए सभी लोग बैठे हैं और डांस एंजॉय कर रहे हैं, सामने डांस चल रहा है इसलिए सभी लोग डांस की तरफ सबकी नजरें हैं। सामने सभी लोग चिली पटेटो खा रहे थे, काफी
काफी चटपटा था और काफी स्पाइसी भी था। पार्टी हो और डांस ना हो तो ऐसा हो सकता है। देखिए सभी लोग डांस करने के लिए काफी क्रेजी रहते हैं, और सामने अभी जो डांस कर रही थी वो दूल्हे की बहन महिमा डांस कर रही थी, काफी अच्छा डांस कर रही थी। और देखिए सभी लोग बिल्कुल डांस एंजॉय कर रहे थे, फुल डांस एंजॉय चल रहा था और काफी सुंदर डांस हो रहा था। सामने मेरी भतीजी पूर्वी थी, इसने चिली पैटेटो खा लिया था और इसको लग गई थी मिर्च, और काफी स्पाइसी होता था वो। डांस प्रोग्राम चल रहा था, अभी जो डीजे पर डांस करी थी वो थी दुल्हन, दुल्हन का डांस हो रहा था। सामने जो डीजे में भी डांस करी थी वो दुल्हन थी, और अभी उसका डांस चल रहा था। सामने उसकी उनकी सासू माँ भी थी डांस फ्लोर पर। सामने सास बहू का डांस चल रहा था, जो दुल्हन थी वो और उसकी सासू माँ डांस कर रहे थे। सभी लोग डांस एंजॉय कर रहे थे और आप करने लगी थी डांस, दूल्हे जो दूल्हा था उसकी सारी बहनें डांस कर रही थी। तिलक की सभी बहनों ने एक स्पेशल डांस रखा था अपने भाई के लिए, और अभी डांस चल रहा है। शादी में सभी लोग फुल एंजॉय करते हैं, चाहे वो डांस हो या खाना हो। तो अभी यहाँ को डांस चल रहा था, दुल्हन की सारी बहनें दूल्हे के साथ डांस कर रही थी, और सारे बच्चे, देखिए बच्चों की अपनी अलग मस्ती चल रही थी और खेल रहे थे, कूद रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे सभी बच्चे और फुल एंजॉय कर रहे थे। सामने श्री भी खेलने में मस्त थी उसकी अपनी मम्मी के साथ। चलिए एक अच्छी सी फोटो हो जाए, और हम खिंचवा रहे थे अभी एक फोटो। बच्चे देखिए फुल एंजॉय करते हैं और जबरदस्त डांस चल रहा था डांस फ्लोर पर, हाथ खींच खींच के डांस के लिए ले जाया जा रहा था। सभी बच्चे देखिए मस्त डांस कर रहे थे और डीजे लगा हुआ था, और अभी सारे बच्चे डीजे में ही घुसे हुए थे डांस के लिए। डांस के साथ फोटो सेशन का कार्यक्रम भी शुरू हो गया था। देखिए सभी दूल्हे के साथ जाके फोटो क्लिक कर रहे थे, और देखिए खाना भी स्टार्ट हो गया था और फूड सभी लोग खाना एंजॉय कर रहे थे मस्त होकर। सामने दूल्हा के साथ अभी जो बैठे थे वो थे दूल्हे के चाचा और चाची, सभी लोग फोटो क्लिक कर। आज रिसेप्शन पार्टी थी तो जबरदस्त डांस चल रहा था, क्योंकि शादी हो गई थी और आज जो दूल्हे के घर में थी रिसेप्शन पार्टी, हमारे यहाँ घर बारात बोलते हैं, और सभी लोग अभी खूब एंजॉय कर रहे हैं। डांस फ्लोर में बच्चे डांस कर रहे हैं, सभी लोग डांस कर।
पार्टी में बच्चे जम के एंजॉय करते हैं और उनकी मस्ती चल रही है और सभी लोग डांस वगैरह में देखने में मस्त हैं। खाना भी स्टार्ट हो गया था और सभी लोग खाना खा रहे थे। तंदूर लगा हुआ था सामने और भी काफी कुछ बना था आज पार्टी में, क्योंकि पहले स्नैक्स थे और उसके बाद फिर खाना था। तो देखिए सामने फोटो सेशन भी चल रहा है, मेरा भाई फोटो खिंचा रहा है। मैंने सोचा क्यों ना फोटो भी खिंचा लिए जाए, क्योंकि फिर टाइम मैं तो वीडियो बनाने में मस्त था और फोटो भी होनी चाहिए। शादी में पता तो चलना चाहिए कि मैं भी शादी में शामिल था और मैं भी चले गया फोटो खिंचाने। मैं था, मेरा भाई था और भी दोस्त लोग थे, हम सभी फोटो खिंचा रहे थे। पार्टी में सभी लोग इंजॉय कर रहे थे, सामने हम भी फोटो वगैरह खिंचा रहे थे और सभी भाई बंधु फोटो क्लिक कर रहे थे। और देखिए सामने हमारी सिस्टर भी आई हुई थी, रानी भी, और हेलो बोल रही थी सबसे। पार्टी जब से शुरू हुई है तो डांस फ्लोर कंटिन्यू चल रहा है। देखिए अभी बच्चा पार्टी भी डांस कर रहे हैं, बड़े लोग भी डांस कर रहे हैं, तो सभी फुल एंजॉय। पहाड़ी गाने चल रहे हैं डीजे पर। शादी में डांस और फोटो का कार्यक्रम तो चलते रहता है। देखिए अभी भी सब लोग एक एक करके दूल्हे के साथ फोटो वगैरह खिंचा रहे हैं, जितने भी दोस्त लोग आए हैं दूल्हे के, और भी रिश्तेदार वगैरह भी हैं और दोस्त लोग तो हैं ही। सभी सेल्फी के शौकीन, देखिए सेल्फी ले रहे हैं हम सब। पार्टी अभी फुल ऑन चल रही थी और डांस वगैरह भी हो ही रहा था और सभी लोग खाना खा रहे थे। मुझे भी लग गई थी भूख, मैं भी सोचा था खाना खा लिया जाए, काफी देर हो गई है, लेकिन काफी भीड़ हो रही थी क्योंकि अभी सभी लोग अभी अभी उठे थे खाने के लिए और काफी भीड़ थी। मैंने सोचा थोड़ा भीड़ कम हो जाए, उसके बाद आराम से खाना इंजॉय करेंगे। तो अभी पार्टी चल रही है देखिए, और सब लोग अपना अपना खाना खा रहे हैं और सामने मेरी भतीजी आई थी साक्षी। बताइएगा कि आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा, और आपको हमारे, मैंने आजकल मेरे शादी के ब्लॉग ही चल रहे हैं, तो बताइएगा आपको हमारे, मेरे जो शादी वाले ब्लॉग आ रहे हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं, और अच्छे लग रहे हैं तो जरूर कमेंट करना। और देखिए सामने अभी भी फोटो का कार्यक्रम चल रहा है, सामने दूल्हे राजा दुल्हन के साथ बैठे हुए हैं, सभी लोग फोटो क्लिक कर रहे हैं। पार्टी में आए मुझे काफी देर हो गई थी और अब लग गई थी भूख, तो चलिए आप खाते हैं खाना, और जो भी खाने में बना होगा सब चीज खाएंगे, देखते हैं क्या क्या है। मैंने ले ली थी प्लेट और सबसे पहले मैंने ली टिकिया जो मुझे काफी पसंद है। सभी लोग अब दूल्हा दुल्हन को ले आए थे डीजे पर और डांस प्रोग्राम शुरू हो गया था। दूल्हा डांस तो करने में थोड़ा शर्मा रहा था क्योंकि लड़के को उतना अच्छा डांस नहीं आ पाता, लड़कियां तो फिर भी डांस कर लेती हैं। देखिए फिर भी उसको मोटिवेट करने के लिए सारे रिश्तेदार आ गए डांस फ्लोर पर, और उसके चाचा आ गए और वो उसे डांस करने के लिए कह रहे थे, और उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा और डांस करने लग गया। क्योंकि शादी में एक सबसे बड़ा टपका में ये डांस करना, क्योंकि रिसेप्शन के दिन दूल्हा दुल्हन को भी डांस करना पड़ता है और जो काफी मुश्किल होता है डांस करना। जिसको डांस आता है उसके लिए तो बढ़िया है, जिसको डांस नहीं आता उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी डांस चल रहा है, देखिए सभी लोग डांस एंजॉय कर रहे हैं। अब पार्टी का सबसे सुंदर डांस होने जा रहा था। देखिए सामने जो दूल्हे राजा थे उसके बड़े भाई हेमू और उसकी वाइफ दोनों डांस अब फ्लोर पर आ गए थे और काफी सुंदर डांस किया। सभी लोग उनका डांस देख के काफी खुश हुए और डांस भी काफी अच्छा कर रहे थे दोनों दोनों कपल डांस कर रहे थे और बहुत बेहतरीन डांस किया दोनों ने, क्योंकि पूरे जितने लोगों के कैमरे थे सभी लोग उनको कैप्चर करने लग गए। और डांस काफी मस्त डांस चल रहा था, दोनों मियाँ बीवी हैं दोनों, और
बहुत बढ़िया डांस, पूरे पार्टी का सबसे बढ़िया डांस यही रहा। और अभी डांस चल रहा है, देखिए खूब इंजॉय करके डांस कर रहे हैं दोनों जने। काफी सुंदर डांस था और सभी लोग जम के तालियां बजाने लगे, सभी जो पार्टी वाले मेहमान थे और सभी लोग अब चले गए थे और अब घरी के लोग रह गए थे। और अभी घरी के सभी लोग मिलकर डांस कर रहे थे, दूल्हा और दुल्हन के साथ डांस चल रहा था सभी का। शादी में जितने भी मेहमान आए थे और जितने भी रिश्तेदार थे सभी लोग अभी डांस कर रहे, क्योंकि अब सभी जो पार्टी में मेहमान थे वो सभी लोग चले गए थे, क्योंकि काफी देर भी हो गई थी। और अब घर के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं और रिश्तेदार हैं सभी लोग डांस कर रहे थे, जम के डांस चल रहा था, काफी अच्छा डांस कर रहे थे। घर के जितने भी सदस्य थे सभी आ गए थे डांस फ्लोर पर और पहाड़ी गाने बज रहे थे और सभी लोग डांस में मग्न हो गए थे और मस्त होकर डांस कर रहे थे, दिल खोल के डांस चल रहा था सभी लोगों का। देखिए सामने दूल्हे के पिताजी भी आ गए थे डांस फ्लोर पर, सभी लोग अब चले गए थे घर, अब घर ही के लोग बचे हुए थे और सभी लोग मचा रहे थे डांस में धमाल और डीजे फुल ऑन चल रहा था और सभी डांस करने में मस्त। पार्टी खत्म हो गई थी, देखिए सामने कितना कूड़ा बिखरा हुआ है और बहुत ज्यादा मेहमान थे और अब सभी लोग चले गए थे, अब घर के लोग बचे हुए थे। अभी भी देखिए डांस से मन नहीं भरा है और अभी भी यहाँ पर को भी डांस चल रहा था, देखिए हमारी भाभी जी थी और यहाँ पर को डांस करने लगी तो मैंने उनका वीडियो बना लिया। अब दूल्हा दुल्हन को फोटोग्राफर नचा रहे थे, देखिए तरह तरह के पोज बनाने के लिए और यहाँ पर मस्त मस्त पोज चल रहे थे और फोटोग्राफी की जा रही थी। तो बताइएगा आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हाँ सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। तो मिलते हैं एक और जल्दी ही एक और नए ब्लॉग के साथ।